हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एगलेस टूटी फ्रूटी टी केक, जो कि बहुत ही डिलीशियस केक है और आप इस केक को बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। ये सुपर स्पॉन्जी सॉफ्ट केक है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और आज की रेसिपी भी आपको ईजी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ब्रेड लोफ टीन लेंगे, इसकी साइज़ 8x3 इंच है और अब हम इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस कर लेने के बाद अब इसके अंदर बटर पेपर लगा दें। अगर बटर पेपर ना हो तो कोई भी वाइट पेपर लगा सकते हैं आप, और इसे फिर से ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लें। तो ये अब बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे साइड में रख देंगे। ये मैंने लिया है 2 से 3 बड़े चम्मच टूटी फ्रूटी, और इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच मैदा और इन सबको अच्छे से कोट कर लेंगे। ये अब बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे साइड में रख देंगे बाद में यूज़ करने के लिए। अब एक बोल लेंगे और इसमें 3/4 कप दूध डाल देंगे, और दूध जो होना चाहिए वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अब इसमें 1/2 कप पीसी हुई चीनी डाल दें। अब इसमें 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डाल दें, 1/3 कप इसमें कुकिंग ऑयल डाल दें, और इसमें 1/4 कप मिल्क पाउडर डाल दें, और इन सबको 1 मिनट तक अच्छे से बीट कर लें। अच्छे से बीट कर लेने के बाद अब एक छन्नी लें और इसमें डालें 1 कप मैदा, 1/2 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा डालें, 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डाल लें और इन सबको अच्छे से छान लें। अब सारी चीज़ों को हल्के हाथों से फोल्ड कर लें। अच्छे से फोल्ड कर लेने के बाद अब इसमें टूटी फ्रूटी डाल दें और इसे भी हल्के हाथों से फोल्ड कर लें, और ध्यान रखें कि केक के बैटर को ओवर मिक्स ना करें। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद सबसे लास्ट में हम इसमें 1 टीस्पून विनेगर डाल देंगे और इन सबको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसके जगह पर नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। बैटर अब बिल्कुल रेडी हो गया, अब हम इसे ग्रीस किए हुए टिन में डाल देंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा टूटी फूटी और स्प्रिंकल कर देंगे ताकि केक देखने में और भी अच्छा लगे। अब ये बिल्कुल रेडी है बेक करने के लिए। हम इसे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे, या हम इसे तब तक बेक कर लेंगे जब तक कि टूथपिक क्लीन ना आ जाए। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे कुकर में भी बेक कर सकते हैं। कुकर में केक बनाने का तरीका मेरे चैनल पर दिया हुआ है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहाँ से देख कर इस केक को कुकर में भी आसानी से बेक कर सकते हैं। केक अच्छे से बेक हो गया है और अब हम इसे ओवन से निकाल लेंगे और अब इसे चेक कर लेंगे टूथपिक डालकर। ये देखिए बिल्कुल क्लीन है। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। केक थोड़ा ठंडा हो गया, अब हम इसे किनारों से अलग कर लेंगे। अब केक को एक वायर स्टैंड पर निकाल लें और बटर पेपर को रिमूव कर लें। उसके बाद केक को इसी वायर स्टैंड पर पूरी तरह से ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दें। केक अब पूरी तरह से ठंडा हो गया है, अब इस डिलीशियस टूटी फ्रूटी टी केक की स्लाइस करें और अपने चाय या कॉफ़ी के साथ इसे इंजॉय करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और आज की रेसिपी भी आपको ईजी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और ऐसी ढेरों आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।